श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद चौथा अध्याय सातवां दक्ष यज्ञ की पूर्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाबाहो विदुर जी, ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, सुनिए। श्री महादेव जी ने कहा, प्रजापते, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझो के अपराध की ना तो मैं चर्चा करता हूँ और ना याद ही, मैंने तो केवल सावधान करने के लिए ही उन्हें थोड़ा सा दंड दे दिया। दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है, इसलिए उनको बकरे का सिर लगा दिया जाए। भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें। पूषा पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। अधवर्यु आदि यज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं, वे पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी मूछ हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वत्स विदुर, तब भगवान शंकर के वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न चित्त से धन्य धन्य कहने लगे। फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब वे उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर वहां गए। वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था उसी प्रकार सब कार्य करके उन्होंने दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने भगवान शिव को देखा। दक्ष का शंकर द्रोह की कलिमा से कुलशित हृदय उनका दर्शन करने से शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया। उन्होंने महादेव जी की स्तुति करनी चाही, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से स्नेह और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए, उनके मुख से शब्द न निकल सका। प्रेम से विहल परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर विशुद्ध भाव से भगवान शिव की स्तुति करनी आरंभ की। दक्ष ने कहा, भगवन, मैंने आपका अपराध किया है, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड के द्वारा शिक्षा देकर बड़ा ही अनुग्रह किया है। अहो, आप और श्रीहरि तो आचारहीन नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ यज्ञादि करने वालों को क्यों भूलेंगे। विभो, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत आदि के धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे चारा व लाठी लेकर गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैं आपके तत्व को नहीं जानता था, इसी से मैंने भरी सभा में आपको अपवाग बाणों से भेदा था, किंतु आपने मेरे उस अपराध का कोई विचार नहीं किया। मैं तो आप जैसे पूज्यतम महानुभावों का अपराध करने के कारण नरकादि नीच लोकों में गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से मुझे उबार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है, बस आप अपने ही उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आशुतोष शंकर से इस प्रकार अपना अपराध क्षमा कराकर दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋत्विज आदि की सहायता से यज्ञ कार्य आरंभ किया। तब ब्राह्मणों ने यज्ञ संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए तीन पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चरु का हवन किया। विदुर जी, उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए अधर्व्यु के साथ यजमान दक्ष ने ज्यों ही विशुद्ध चित्त से श्रीहरि का ध्यान किया, त्यों ही सहसा भगवान वहां प्रकट हो गए। बहत एवं रथंतर नामक साम स्त्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई अपनी अंग कांति से सब देवताओं का तेज हर लिया। उनके सामने सबकी कांति फीकी पड़ गई। उनका श्याम वर्ण था, कमर में सुवर्ण की करघनी तथा पीताम्बर सुशोभित थे, सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान मुकुट था,
मुख कमल भौरों के समान नीली अलकावली और कांति में कुंडलों से शोभायमान था। उनके सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित 8 भुजाएं थीं, जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्दत्त रहती हैं। 8 भुजाओं में वे शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड़ग और ढाल लिए हुए थे, तथा इन सब आयुधों के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते थे। प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला सुशोभित थी। वे अपने उदार हास और लीला में कटाक्ष से सारे संसार को आनंद मग्न कर रहे थे। पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान सफेद पंखे और चवर ढुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहा था। भगवान पधारे हैं यह देखकर इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। उनके तेज से सबकी कांति फीकी पड़ गई, जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सक पका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान के सामने खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा तक ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच पाती, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य रूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने लगे। सबसे पहले प्रजापति दक्ष एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री ले नंद सुनंद आदि पार्षदों से घिरे हुए प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित हो विनती भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। दक्ष ने कहा, भगवन, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागर आदि संपूर्ण अवस्थाओं से रहित, शुद्ध, चिन्मय, भेद रहित, अतैव निर्भय हैं। आप माया का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं, तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर उसकी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। ऋत्विजों ने कहा, अपराधी रहित प्रभु, भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में ही फंसी हुई है, अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है ऐसी व्यवस्था की गई है। उस धर्म प्रवृत्ति के प्रयोजक वे दत्तेय से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम आपका स्वरूप समझते हैं। सदस्यों ने कहा, जीवों को आश्रय देने वाले प्रभु, जो अनेक प्रकार के कलेशों के कारण अत्यंत दुर्गम हैं, जिनमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है, द्वंद्व रूप अनेकों गड्ढे हैं, दुर्जन रूप जंगली जीवों का भय है, तथा शोक रूप दावानल धधक रहा है, ऐसे विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जो अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप मृग तृष्ण जाल के लिए देह गेह का भारी बोझ सिर पर लिए जा रहे हैं, वे भला आपके चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र ने कहा, वरदायक प्रभो, आपके उत्तम चरण इस संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनि जन भी उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं, तो कहें, आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी ने कहा, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निद्रा में सोए हुए थे, वे ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी आपके तत्व को अभी तक नहीं जान सके। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भक्तों के तो आत्म सुहृद हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप ज्ञान शब्दादि विषय और श्रोतादि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया में प्रपंच से सर्वथा अलग हैं। इंद्र ने कहा, अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला रूप देवद्रोहियों का संहार करने वाली 8 भुजाओं से सुशोभित है, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। यज्ञिकों की पत्नियों ने कहा, भगवन, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की थी, परंतु
दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अब नष्ट कर दिया है। यज्ञ मूर्ते शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे उस यज्ञ को आप नील कमल की सी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार कर पवित्र कीजिए। ऋषियों ने कहा, भगवन आपकी लीला बड़ी ही अनोखी है, क्योंकि आप कर्म करते हुए भी उससे निर्लेप रहते हैं। दूसरे लोग वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं वे स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, तो भी आप उनका मान नहीं करते, उन्हें निस्प्रह रहते हैं। सिद्धों ने कहा, प्रभो यह हमारा मन रूप हाथी नाना प्रकार के कलेश रूप दावानल से दग्ध एवं अत्यंत त्रिषित होकर आपकी कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है। वहाँ ब्रह्म नंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे ना तो संसार रूप दावानल का ही स्मरण है और ना ही उस नदी से बाहर ही निकलता है। यजमान पत्नी ने कहा, सर्वसमर्थ परमेश्वर आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपते आपकी प्रिय लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती। लोकपालों ने कहा, अनंत परमात्मन आप समस्त अंतःकरणों के साक्षी हैं, यह सारा जगत आपके ही द्वारा देखा जाता है, तो क्या माइक पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सके हैं? वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक फिर भी पंच भौतिक शरीर के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है यह आपकी माया ही है। योगेश्वर ने कहा, प्रभो जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। तथापि भक्त वत्सल जो लोग आप में स्वाभिमान रखकर अनन्य भक्ति से आपकी सेवा करते हैं उन पर भी आप कृपा कीजिए। जीवों के अदृश्य वश जिसके सात्विक गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है, उस आपकी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के लिए ब्रह्मादि विभिन्न रूप धारण करके आप भेद बुद्धि पैदा करते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादी गुणों से सर्वथा दूर हैं, ऐसे आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूप वेद ने कहा, आप ही धर्मादि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं, अतएव आपका तत्व ना तो मैं जानता हूँ और ना ब्रह्मा आदि कोई और ही जानते हैं, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, भगवन आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ, आप साक्षात यज्ञ पुरुष एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास चातुर्मास और पशु सोम ये पांच प्रकार के यज्ञ आपके ही स्वरूप हैं, तथा आश्राव्य अस्तुषोष्ट यजे ये यजामहे और वृष्ट इन पांच प्रकार के यजु मंत्रों से आपका ही पूजन होता है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवताओं ने कहा, देव आप आदि पुरुष हैं, पूर्व कल्प का अंत होने पर आपने कार्य रूप इस प्रपंच को उदर में लीन कर आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेष नाग की उत्तम शैया पर शयन किया था। आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जन लोकादिवासी सिद्ध गण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं, अहो वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। गंधर्वों ने कहा, देव मारीची आदि ऋषि और ये ब्रह्मा इंद्र तथा रुद्र आदि देवता गण आपके अंश के भी अंश हैं। महतम यह संपूर्ण विश्व आपके खेलने की सामग्री है, नाथ ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। विद्याधरों ने कहा, प्रभो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर इसमें मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है, फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मीयतों से तिरस्कृत होकर भी असक्त विषयों की ही लालसा करता रहता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी जो आपके कथा अमृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है।
ब्राह्मणों ने कहा, भगवन आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, स्वयं आप ही मंत्र हैं, आप ही समिधा कुशा और यज्ञ पात्र हैं, तथा आप ही सदस्य ऋत्विज यजमान एवं उसकी धर्म पत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु हैं। वेद मूर्ते यज्ञ और उसका संकल्प दोनों आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण कर रसातल में डूबी हुई पृथ्वी को लीला से ही अपनी दाढ़ों पर उठाकर इस प्रकार निकाल लाए थे जैसे कोई गजराज कमलनी को उठा लाए। उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगी गण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर आपकी स्तुति करते जाते थे। यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था, अतः हम आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे। अब आप हम पर प्रसन्न होइए, आपको नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भैया विदुर, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश जी की स्तुति करने लगे तब परम चतुर दक्ष ने रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वस्त किए हुए यज्ञ को फिर से आरंभ किया। सर्व अंतर्यामी श्री हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरोडाश रूप अपने भाग से और भी प्रसन्न होकर उन्होंने दक्ष को संबोधन करते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ। मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ, तथा स्वयं प्रकाश और उपाधि शून्य हूँ। विप्रवर, आपकी त्रिगुणात्मिकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना पालन और संहार करता रहता हूँ, और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए हैं। ऐसा जो भेद रहित विशुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, उसी में अज्ञानी पुरुष ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सिर हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता, उसी प्रकार मेरा भक्त प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता। ब्राह्मण, हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं, अतः जो हमसे कुछ भी भेद नहीं देखता वही शांति प्राप्त करता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापतियों के नायक दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके फिर अंगभूत और प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया। फिर एकाग्रचित हो भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया, तथा समाप्ति में किए जाने वाले उद्वसान नामक कर्म से अन्य सोमपाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया और अंत में ऋत्विजों के सहित अवभ्रत स्नान किया। फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापतियों को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे ऐसा आशीर्वाद देकर सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। विदुर जी, सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना पूर्व शरीर त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से जन्म लिया था। जिस प्रकार प्रलय काल में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्य परायणा श्री अंबिका जी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान शंकर को ही वरण किया। विदुर जी, दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। गुरुनंदन श्री महादेव जी का यह पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद चौथा अध्याय सातवां समाप्त।